हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ए वर्कबुक कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 राइट। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 1 में लिखा है व्हाट विल बी द वर्क्स डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है उसी का स्क्वायर करना है। तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, तो 192 का स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी। देन हियर 9, तो 9 स्क्वायर क्या होगा 81, तो 81 का क्या लिखेंगे हमसे 1 लास्ट डिजिट 1। देन हियर 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, 6 स्क्वायर 36 लिखेंगे 6, 5 स्क्वायर 95 तो 5 लिखेंगे, 4 स्क्वायर 60 लिखेंगे 6, 8 स्क्वायर 64 लिखेंगे 4, 0 स्क्वायर 0 राइट। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन नंबर। जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन है। तो 3 इज ऑड नंबर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। 4 इज इवन नंबर तो उसका स्क्वायर इवन नंबर ही आएगा। 9 इज ऑड नंबर तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। 8 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर आएगा राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें क्या लिखा है विदाउट एक्चुअल एडिंग द सम। तो ये सब को प्लस के बिना स्क्वायर बताना है। विच एक्चुअल एडिंग विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम। तो कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पर कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर कितना होगा 81। ये सबको प्लस करेंगे तो 81 आंसर मिलेगा राइट। सेम वे यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक नंबर रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्क्वायर क्या होगा 144। ये सबको प्लस करेंगे तो 144 मिलेगा। टेन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ फर्स्ट एड 8 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स कौन से 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 राइट। तो फिर इसको थोड़ा नीचे से लिख देते हैं 169, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। ये 169 एक्सप्रेस 169 इज द सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स। तो 169 का भी यहाँ भी यहाँ लिख देते हैं 169। तो ऐसे कितने 13 ऑड नंबर हमने लिखे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 10 17 10 19 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 राइट। जगह नहीं है इसलिए मैंने साथ में थोड़ा लिखा है। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राइट। तो ये सब प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा 169 मिलेगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन 6 में हमें देखना है राइट। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है 7 स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर करेंगे तो 4489 आता है। तो लास्ट में 9 है, सब में लास्ट में 9 है देखो, तो लास्ट में 9 को निकल देना है। यहाँ 1 6 है तो 1 8 है, 2 6 है तो 8, 3 6 है तो 3 8 राइट, 3 8 आएंगे 3 8। तो यहाँ पर 4 6 है तो कितने 8 आएंगे 4 8 आएंगे 8 8 8 8। फिर यहाँ 6
एट है तो दो फोर है, यहाँ सिक्स दो है, यहाँ पर तीन फोर है, यहाँ थ्री सिक्स है, यहाँ फोर फोर है, बराबर फोर टाइम फोर, तो यहाँ चार सिक्स है तो फाइव टाइम फोर है, वन टू थ्री फोर है फाइव, राइट। तो पांच टाइम फोर, चार टाइम एट और नाइन, दिस विल बी आंसर। ओके, सेवन स्क्वायर 49, एक सिक्स तो एक एट, दो सिक्स दो एट, तीन सिक्स तो तीन एट, चार सिक्स है तो चार एट, एक सिक्स है तो दो फोर है, दो सिक्स है तो तीन बार फोर है, एक बढ़ाना है, थ्री सिक्स है तो एक बढ़ाएंगे तो चार फोर, चार सिक्स है तो यहाँ एक बढ़ाएंगे तो पाँच फोर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, उसमें क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बाय रिप्रेजेंटिंग देम एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये दोनों के बीच में दो का अंतर है, 13 और 50 में फर्क कितना है, दो नंबर का है, तो दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 14। तो 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 आएगा और 14 प्लस 1 करेंगे तो 15 आएगा। तो 14 माइनस 1 एंड 14 प्लस 1, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स दिखाएं, तो 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और बीच में जो नंबर आया है उसमें से 1 माइनस करना है, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 14 माइनस 1 इनटू 14 प्लस 1, तो दोनों के बीच का नंबर लिख दो 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, 26, 26 माइनस 1, 26 प्लस 1, तो 26 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 26 स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी 40 माइनस 1 40 प्लस 1 बराबर 40 में से एक माइनस कर दे एक प्लस कर दे तो 40 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये भी 53 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 53 माइनस 1 होगा 53 प्लस 1 54 होगा, 53 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू, मतलब स्क्वायर नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, ये भी आप लिख लेना नोट बुक में, ए माइनस बी ए प्लस बी, बराबर ऊपर लिखो या साइड पे भी लिखो या तो ये समझ बाद में लिख देना ये फॉर्मूला। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 76 माइनस 75, 76 प्लस 75, 76 माइनस 75 एंड 76 प्लस 75, 76 माइनस 75 वन होगा एंड 76 प्लस 75 तो कितना होगा, 6 प्लस 5 1 एंड 151, 151 बन जाते 151, तो 151 आंसर। सेम मेरा पर 64 और 63 ये सब में देखो, सब में डिफरेंस कितना है, 11 का 64 और 63, तो दोनों को प्लस करेंगे वही आंसर आएगा, तो 64 माइनस 63, 64 प्लस 61, तो 64 माइनस 63 वन, 64 प्लस 63 कितना होगा, 4 प्लस 3 7 127, 127 का 127, सेम में 101 और 100 दोनों को प्लस करेंगे वो आंसर होगा 101 माइनस 100 125 माइनस 124 यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ये लोगों को अलग अलग लाइन में लिखा है, आप लोग को एक लाइन में लिखना है, राइट, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है, इक्वल टू से दूसरी लाइन में लिखना है बराबर, तो ये और ये लाइन में एक लाइन है, यहाँ से दूसरे दिन नेक्स्ट लाइन में लिखना है 125 प्लस 124, 125 माइनस 124 कितना होगा 1, और दोनों को प्लस करेंगे तो 249 249 बन जा 249
राइट। तो अभी 6.1 का फर्स्ट वापस समझा लेता हूं मैं।